अपने साले बच नहीं आया समझे। अरे घटिया राजा के तुम्हारा लोहा से ये क्या कर रहे हो? पिताजी ये हराम ज्यादा बता रहा घटिया राजा के लड़के। लोहा से ये बता रहे नालायक, अपने दरवाजे पे आए हुए मेहमानों का इस तरीके से स्वागत किया जाता तो दादा ये मुझे बता रहा घटिया राजा के लिए। हेलो हेलो, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हट पीछे नाला कहीं का उधर राज कहीं राजन। देखो ये अभी बच्चे और हमारे दरवाजे पे जो मेहमान आता है उसका मुझे स्वागत करना आता है। चाहते हैं मगर ऐसा स्वागत करना नहीं चाहिए। यही तो मेहमान की जान ले लो उदयराज, यही तो इसकी भूल है। चलो ठीक है, इसकी गलती की मैं माफी मांग रहा हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात कोमल। बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? अरे संग माफे गिर देऊ, अरे तुम मना थे दादा मलखान को भेज दूं। हाँ उधर क्योंकि मैं जानता हूं जब तू शरबत में जहर मिला सकता है तो मेरे भाई के संग क्या कर सकता है। उधर आज तुम्हारी यही तो भूल है, वहां भूल है। जो शरबत में जहर मिलाया गया था ये किस लिए मिलाया गया तुमने? किस लिए मिलाया गया था ये शरबत में जहर? मैंने इसलिए मिलवाया था कि मैं ये शरबत आपके पास भेजूंगा और ये देख सकूंगा कि आप कितने समझदार हैं। यार हमको तुम समझदार तो देखना चाहते थे। हाँ उदयराज, अगर आप बेवकूफ होते, अगर समझदार न होते तो शरबत पी के अब तक मर जाते। नहीं नहीं राजा, इसीलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। यार हमारी तो परीक्षा ले रही था उदयराज। चलो कोई बात नहीं है, अपने भाई मलखान को हमारे साथ भेजो। ठीक है, मैं अपने भाई मलखान से बात कर लूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। दादा कहो भैया। जो बताओ, जब शरबत में जहर मिला सकता है तो आगे क्या कर सकता है? दादा मैं कुछ नहीं जानता। सत्य कहते भैया, मगर कह रहा है कि मेरे साथ भेज दो। मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ भैया। और क्या कहता है? सुनो मेरी बात को। बोलो भैया। अरे अकेले दूल्हा चाय घर कजरा जा, we'll be right back।
को अकेले भेज दो दादा, ये बताओ मेरा दिल नहीं मानता है दादा। बोलो भैया। तो कैसे भेजू भाई अपने को, अरे दादा मेरी बात को। अरे कोई मुसीबत भैया हम बराबर जाए, पता पठवाऊंगा। दादा तुम क्या कर, अरे भैया बोलो अब भैया हम आगे क्या बताए भैया बोलो। एक तो मैं अकेले कहता है तो मुझको भेज दो। नहीं भैया मेरा दिल धीरे धीरे धर रहा है, मैं क्या करूं दादा। बोलो भैया कोई उपाय तो बताओ दादा। भैया बोलो। अरे उस दिन की भैया ले हूं हमारी कबरिया, तुम्हारी अवश्य लूंगा मगर मेरी एक बात सुनो। वो कौन सी बात है भैया? तो करे घटे ही जो गजरा दा, अरे दादा मानो कहता हूँ दादा, अरे करे घटे ही जो गजरा दा, अरे दादा अरे चल कहीं तक भाई, अरे भाई की तलवरिया की
दादा। ठीक मेरे भाई, आप बड़े दादा से आज्ञा ले लो और आप अब जा सकते हैं। ठीक है भैया। दादाजी, मेरे दादाजी, कहो उमर खान क्या कहना चाहते हो? अरे गज राजा कहता है अकेले दूल्हा को भेज दो तो ठीक है, अगर हो सकता है कि वहां की रीत हो इसलिए कहा हो तो मुझको आज्ञा दो दादाजी। ठीक है जाओ बलखान, अगर किसी बात की चिंता मत करना, अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे पास खाली पत्र पठा देना बस। ठीक है दादाजी, अवश्य भेज दूंगा पत्र। ठीक है जाओ। ए राजन सुनो मेरी बात तो कहो, अपने भाजी तई इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मगर मैं जैसे तुम्हारे संग अपने भाई को भेज रहा हूँ वैसे मेरे भाई को वापस कर देना। उदयराज, तुम्हारा भाई जिस तरीके से जाएगा उसी ही तरीके से आएगा। मगर एक बात मुझे बहुत सता रही है। वो कौन सी बात है उदयराज? सुनो मेरी बात को। अरे खाओ कसम उठाओ कंधा, अरे उदयराज कसम खाने की, अरे खाओ कसम उठाओ कंधा, अरे गटिया करियो हमारे हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अब नहीं विश्वास होगा और कसम खाने से विश्वास हो जाए। हाँ तो सुनो फिर मेरी बात को। बोलो। अरे पांच कदम फिर कई चल गई, अरे राजन गंगा, उदयराज हाँ तो तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो गया ना? तुमने तो गंगा उठाया ही नहीं। उदयराज मैंने पांच कदम दक्षिण को चल करके कह दिया सो कह दिया। अरे दक्षिण को कहकर कह तो दिया चल करके, मगर हाथ में गंगा कहां लिया तुमने? यानी तुम्हें जब तक हमारे हाथ में गंगा नहीं आएगी तुम्हें विश्वास नहीं, कदाप नहीं होगा। लाओ उदयराज। बोलो। अब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात। बोलो। अरे गंगा मैया हाथ मैल, अरे गंगा मैया हाथ मैल कई, अरे राजन खावई हाँ। अब तुम्हें विश्वास हो गया? ऐसे विश्वास हो गया है तो ठीक है, आप अब हमारे भाई को ले जा सकते हो।
ठीक है उदयराज, मैं मलखान को लेकर के अपने राज दरबार को जा रहा हूं। ठीक है जाओ जाओ अपने राज दरबार को ले जाओ और थोड़ा हट जाओ। भाई मलखान कहो भैया, अगर कोई मुसीबत पड़ जाए, अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो अपने भाई उदल को याद कर लेना। अवश्य भैया, जाओ महल को। ठीक है भैया। बताइए आए कै उदासी छाई चेरे पई बहना। आखिर आज क्या बात है? उदासी का कारण पूछना चाहती हो? हाँ। तुम्हारे भाई जो सूरज सिंह हैं, लोहा सिंह हाँ, वो एक अब का बताई बंधुआ लाए हैं, तो अब हम का बताई तुम्हारे उनके साथ बिहाव नहीं भवा रहा है। क्या तुम्हारे भैया उनका पकड़ गए हैं और मारिन बहुत है, देखो हमका न बताओ। हमका बताए हो तो डालो, हमका तो जाने से मार डरी है। कौने वाले दाहक में है? अब बहन बताई उका डालो दाहक में है, डार दिन मार पीट के हैं, बिहाव करे आए रहे और बरात धूरे पड़ी। वो जो तीन नंबर दाहक है हाँ, उसी में पड़े हैं। ठीक है नौकर, लेकिन देखो हमका ना बताओ। नहीं बताऊंगी, और ये तुम मत बताना कि तुम्हारी बहन उसके पास गई है। नहीं नहीं, जो हम बताई बहना जाकर निकालूंगी। अब तुम जानो तुम्हारे जाने काम, हम तो कहते हैं भगा दी जाए, हम कहते हैं उसका निकाल दी जाए, जाए चला और दीवार बन जाए तो फिर बिहाव होगी। यही करूंगी, अहल बरात वापस न जाए चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं जा रही हूँ। भगवान मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे स्वामी हमारे सामने हमारे यहाँ दाहक में नहीं, ये सब नहीं होने दोगी? हाय निकलो स्वामी तू दाहक से, Thank you.
स्वामी। अरे प्यारे गजमोतिन सुनो मेरी बात को। कहिए स्वामी। अरे तू मेरे निकारे हम नहीं निकारब। हाँ प्यारे स्वामी आखिर कब निकलोगे कैसे निकलोगे। अरे सुनो मेरी बात को। ये दुख मुझे देखा देखा नहीं जा रहा है। अरे मुझको छुड़ाना चाहती हो। हाय स्वामी तो एक पत्र दूर पर पहुंचा देना अवश्य तो बताते हैं। बताइए। अरे पत्र भेज दो आज आज बहू बात अरे आज बहू बात गई प्यारी आज बहू बात गई अरे मलते परे दाह तमाज पत्र मैं धूरे पे भेज दूं। ठीक है स्वामी मैं अवश्य भी पत्र लिखती हूँ। अवश्य मुझको चाहती हो तो मेरे दादा के पास ये अवश्य पत्र एक लिखकर पहुंचा दीजिए। ठीक है स्वामी मैं जरूर भेज दूं। अवश्य दरबारी जाओ जाओ कॉपी और कलम लिखे आओ। ये पत्र जाकर के धूरे पे जुबारती की है वहां भेज देना और ये बात मेरे भैया के पास कानो कान मत होने पाए। ठीक है ये चिट्ठी तुम्हारी पहुंच जाएगी। हाँ पहुंचा देना। हाँ मैं जा रही हूँ और मेरे भैया और मेरे पिताजी मत जाने पाए। ठीक ठीक है। हेलो। हाँ
आदेश तो देखेगा ये चिट्ठी देश मोहबा को जाती है और उधर आला और उधर आज चिट्ठी पाते फिर देखे क्या बातचीत होती है सी आपके समस्त। अरे बाबा गुलरी के फूला हुई दे बाबा गुलरी के फूला हुई दे। ये आ गए मिथिलेश विश्वकर्मा रंगवनवासी ये 50 रुपए इनाम दे रहे पार्टी धन्यवाद दे रही बाबा गुलरी के फूला हुई हनुमान भाई विश्वकर्मा ग्राम सिपहिया निवासी ये 50 रुपए इनाम दे रहे पार्टी धन्यवाद देती सास बनी आलू नंदा बनी दरबार क्या बात है बढ़िया मनोरंजन लहरन मालिक यानी मनोरंजन ले रहा था चल दरबाल ये चिट्ठी कहां से आई हुई है अभी मैं देखो मालिक हमका हम पर लड़े पड़े हन नहीं और हम जालो लड़े पड़े हो तो हमका पढ़ के सुना दी लेकिन हमका इमा जालो करिया अक्षर भाई से बराबर दिखा ठीक है दरबाल तुम मुझे चिट्ठी लाओ दरबाल फाड़ने वाली चिट्ठी नहीं नहीं तुम्हें है पहुड़ो हम पहुड़े उड़े हन नहीं द्वारपाल ठीक है जाओ मैं इस चिट्ठी को अवश्य देखूंगा द्वारपाल अरे दादा इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है उदयराज ये जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात बोलो क्या लिखा अरे जुल्म तो गुजर गया पर मैंने तुमसे मैं जो सोच रहा था वही दादा हो गया बताओ मैं क्या करूं सुनो मेरी बात बोलो दादा अरे भल समझाए ना बात ना मानो दादा मैंने तुमसे कहा था तुमने तो कहा था दादा
मैं क्या करूं? दासों का राजा धतला है, इसकी बात पर कभी विश्वास मत करना। दादा मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं दादा, मैं क्या करूं? चौधराज लखान मेरा भाई है, मैं उसे छुड़ा कर और सिलाऊंगा। लेकिन एक बात है, इस भेद में अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि गजराजा मुझे पहचान ले, मुझे भेष बनाकर कासों में प्रवेश करना होगा। तो कैसे भेष में जाओगे दादा? मैं एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके दरवाजे पर अवश्य जाऊंगा।